गाइस नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप लोग? गाइस ऐसा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। महाराजा ट्रॉफी अब लास्ट स्टेज पे आ गया है। तो टूर्नामेंट की टॉप चार टीमें बैंगलोर, मैसूर, हुबली एंड गुलबर्गा की टीम से प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी हैं। बाकी दो टीम से शिवमोगा और मैंगलोर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। 29 अगस्त को लीग स्टेज का लास्ट डे है, जिसमें टॉप चार टीम्स की टेबल स्टैंडिंग पता चलेगी। तो चलती है बात करते हैं नंबर 29 की मैच नंबर और मैंगलोर ड्रैगन वर्सेस बेंगलुरु के बीच मैच होगा। बेंगलुरु टेबल टॉप पर है और वही मैंगलोर टेबल बॉटम पे है। तो यह मैच 29 अगस्त को चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा बेंगलोर में, और भारतीय समय अनुसार यह मैच होंगे दोपहर के 3 बजे से स्टार्ट होगा। तो वेदर रिपोर्ट की बात किया जाए तो मैच के दिन बेंगलोर में मौसम क्लॉडी रहेगा, हल्की बादल छाई रहेंगी और रेन चांसेस 40% है। ह्यूमिडिटी 77% रहेगी। टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पिच एनालिसिस की बात करें तो चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बैटर्स के लिए फेमस है। यहाँ जमकर रन बनते हैं और यहाँ स्विंग बॉलर्स को हेल्प मिलता है और उन्हें भी विकेट भी ज़्यादा मिलता है। स्पिनरों को यहाँ ज़्यादा हेल्प नहीं है। रिकॉर्ड भी देखा जाए तो पेसर को यहाँ ज़्यादा विकेट मिलते हैं। तो बैटर्स को स्टार्टिंग ओवर में संभल कर खेलना होगा और सेकेंड इनिंग में ड्यू के चलते रन चेज इजी रहेगा। विनिंग परसेंटेज की बात करें तो फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज है 41% और फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 59%। एवरेज स्कोर की तरफ देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 166 और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 151। तो दोस्तों बात करते हैं टू हेड की, जो कि MLD का हुआ है 2 और BLB का हुआ है 1। पेस वर्सेज स्पिन लास्ट 10 मैचों की बात करें तो पेस 74 है, स्पिन 60 है। और मैंगलोर शॉट एनालिसिस की बात करें तो मैंगलोर ड्रैगन्स इस सीजन की सबसे फ्लॉप टीम है। टीम लगातार 5 मैच हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। टीम ने 8 मैच खेलकर केवल 1 में जीत हासिल की है। उन्होंने 6 गेम हारे हैं और ये टीम का लास्ट मैच है। श्रेयस गोपाल टीम के कप्तान है, बैटिंग टीम की ताकत है और डॉट ओपनर रोहन पाटिल और मैकनील हेडली शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। रोहन पाटिल ने अब तक 172 रन बनाए हैं और कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ 213 रन बनाकर टीम के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं। मिडिल ऑर्डर में निखिल जोस और लोचन और गौड़ा जैसे प्लेयर भी फॉर्म में हैं। और लेकिन निखिल ने भी 209 रन बनाए हैं। और बॉलिंग में तब बात करें तो यही टीम की वीकनेस है बॉलिंग, और मैंगलोर के पास कई ऑप्शन है। स्पिनर पारस आर्यन इस साल बुरी तरह से फ्लॉप चल रही है। अविनाश सेठी ने सबसे ज़्यादा 11 विकेट लिए हैं, जबकि और MB दर्शन ने 9 विकेट लिए हैं। श्रेयस गोपाल ने 6 विकेट लिए हैं। प्लेइंग आने की बात करें तो रोहन पाटिल, मैकनील हेडली और निकिन जोस, कृष्णमूर्ति सिद्धा जो कि विकेट कीपर में, श्रेयस गोपाल जो कप्तान है, लोचन गौड़ा, तुषार सिंह, MB दर्शन, पारस गुरबकसारिय और अभिलाष शेट्टी, प्रणव भाटिया। की प्लेयर्स की बात करें तो रोहन पाटिल, श्रेयस गोपाल और अभिलाष शेट्टी। बैंगलोर शॉट एनालिसिस की बात करें तो बैंगलोर लास्ट टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम है और टीम लगातार मैच जीत रही है। लास्ट 4 में से 3 गेम टीम जीत गई है और टीम ने 8 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल की है। तो टेबल में ये 12 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है। मयंक अग्रवाल टीम के कप्तान हैं और ओपनिंग में मयंक अग्रवाल और LR चेतन ने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी और चेतन ने सबसे ज़्यादा 282 रन बनाए हैं। मयंक ने भी 164 रन बनाए हैं। मिडिल ऑर्डर में भुवन राजू भी फॉर्म में चल रहे हैं और सूरज आहूजा और अनिरुद्ध जोशी मिडिल ओवर में रन रेट को भी इम्प्रूव करेंगे। और सूरज टीम के सेकेंड टॉप रन स्कोरर हैं, उन्होंने 196 रन बनाए हैं। और वही लोअर ऑर्डर में शिव कुमार अचित और शुभांग हेगड़े अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा उनको, और टीम की बॉलिंग वीक है और आदित्य गोयल न्यू बॉल से विकेट निकाल रहे हैं और लवीश कौशल ने भी 13 विकेट से, ज्ञानेश्वरी नवी से 11 विकेट लिए हैं और शुभांग हेगड़े डेथ ओवरों में विकेट लेना चाहेंगे और टीम को क्रांति कुमार और मोहसिन खान से भी ब्रेक थ्रू की उम्मीद होगी। BLB प्लेइंग आर्डर की बात करें तो मयंक अग्रवाल, मोहसिन खान, शुभांग हेगड़े, अनिरुद्ध जोशी, LR चेतन, सूरज आहूजा, शिव कुमार, रचित, ज्ञानेश्वर, नवीन, क्रांति कुमार, लवीश कौशल, भुवन और आर्यम। की प्लेयर्स की बात करें तो मयंक अग्रवाल, अनिरुद्ध जोशी, LR चेतन। ड्रीम 11 फैंटेसी टीम की बात किया जाए तो विकेट कीपर में है शिव कुमार, रचित और बैटर्स में शामिल है मयंक अग्रवाल,
शुभम हेगडे, रोहन पाटिल और निकिन जोस, कृतमूर्ति और कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ हैं। बॉलर्स में शामिल है ज्ञानेश्वरी नवीन, लवीश कौशल, अभिलाष शेट्टी। ऑलराउंडर में शामिल है अनिरुद्ध जोशी, श्रेयस गोपाल। प्रेडिक्शन की बात करें दोस्तों तो ओवरऑल रिकॉर्ड में अभी मैंगलोरो ही आगे है, और लेकिन बेंगलुरु इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है, लेकिन टीम के पास क्वालिटी और प्लेयर भी हैं, जिसको देखा जाए तो मैच का विनर बेंगलोर हो सकता है। तो गाइस आशा करती हूँ आप लोगों को प्रेडिक्शन वीडियो अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े खबरों को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको मिल जाएंगे सारे मैच से रिलेटेड, मैच प्रेडिक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज़। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।